तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया, ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज और मैं मोहम्मद जावेद अम्बेडकर नगर सारे सुल्तानपुर। आइए आपको आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आज नगर पंचायत आज सुल्तानपुर की आज में महाराणा प्रताप की जयंती छत्तीस समाज के लोगों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप के फोटो पर पुष्प वर्षित कर जयंती मनाई गई। आप देख सकते हैं वीडियो में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि पूर्व पराग प्रमुख श्री अरविंद सिंह, संचालनकर्ता बलवंत सिंह और विवेक सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम को आयोजन किया गया। भारी संख्या में छत्तीस समाज के लोग अम्बेडकर नगर जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर राज मैरिज हॉल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह रहे और संचालन बलवंत सिंह के द्वारा विवेक सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बहुत से क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। नरेंद्र कुमार सिंह क्षत्रिय समाज के ब्लॉक अध्यक्ष, रामचरण सिंह, श्री भागवत सिंह, राहुल सिंह जंगादमवासी, अरविंद सिंह फौजी, गा शून्य सजय सिंह भगवत दत्त सिंह, विवेक सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह, कन्हैया सिंह, अभय सिंह, विनोद कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीकांत कन्नौजिया, पूर्व विधायक अनिता कमल, त्रिवेणी राम, संतोष सिंह, योगेंद्र मिश्रा, पकज शुक्ला, नंदलाल निषाद, रामरतन सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, मलखान सिंह, संदीप सिंह, जसमवत सिंह कमहरिया, गोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह नरहा, अशोक सिंह बगानपुर जल सत्याग्रह के अगुआ, श्री सतवंत सिंह, रणभद सिंह, सचालम कर्ता बलवंत सिंह भी के सिंह, गोपाल नाथ सिंह, दुर्गा सिंह। आदरणीय श्री प्रमुख जी, ऐसे करके वीडियो बनाया था। हल्दी कांटे में समर लड़ो, हल्दी कांटे में समर लड़ो, वो भाई अड़थारो लाल कथे, वो जेत करो ये सुभान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। वो महाराणा प्रताप कथे, वो चेत करो ये सुभान कथे। क्या बात, क्या बात, चेत करो प्रमुख से सिंह जी,
यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का अभिनंदन है और आप लोगों के निवेदन है इस क्रम से आप एक एक लोग Thank you.
यहाँ पे आ गए। आज सभी के अभिवादन के लिए सर्वप्रथम मैं विवेक सिंह को आमंत्रण करना चाहता हूँ कि आए और आप लोगों का स्वागत करें। श्री विवेक कुमार सिंह प्रमुख जी अरविंद सिंह जी का और साथ में मंचा सिंह सभी का हम स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ यह कार्यक्रम आगे आयोजित हो और हम चाहेंगे अपने सभी बड़ों से और जो लोग आए हुए हैं कि हमको आगे के लिए मार्गदर्शन करें। कुछ आपकी जीवनी पर प्रकाश डाले तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, तो बहुत कुछ है बता कि मैं श्याम नारायण पांडे जी की कविता हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था उस युद्ध के सप्तम सर्ग के कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा। वाणी पद को कर नमस्कार उस चंडी को उस दुर्गा को काली पद को कर नमस्कार उस कालपुट पीने वाले के नैन याद कर लाल लाल डग डग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल ताल ले महाशक्ति ले शक्ति भीख व्रतरख बन देवी रानी का निर्भय होकर लिखता हूँ मैं ले आशीर्वाद भवानी का मुझको न किसी का भय बंधन जब अम्बेडकर नगर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था क्षत्रिय समाज का उसमें और कमोबेश यह स्थिति अब भी थी। लेकिन दो दिन पहले हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे ब्लॉक के महामंत्री बाबू विवेक सिंह जी ने जब जिले से संपर्क किया तो वहां के जिलाधिकारी महोदय ने जिले पर इस तरह के किसी कार्यक्रम को आयोजित करने से साफ मना कर दिया। तो हमारे जो जिला कार्य समिति है उसने तय किया कि सभी 9 ब्लॉकों में तो जीवन देश में क्या देगा अब अपनी आंच तेज करने को नाम तो भरा है। माँ भारती के ऐसे अमर सपूत को आज हम संवेद रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से इस क्षेत्र की तरफ से आप लोगों की तरफ से। और निश्चित रूप से अगर हम ये चर्चा करें आप जानते हैं सारे बौद्धिक लोग हैं यहाँ फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं कृतज्ञ देश आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हमारी कार्यक्रम पिछले कई बार तय किया है जिले पर ये
केवल महाराणा की जयंती का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हमारे क्षत्रिय समाज के लोग ही आए। महाराणा प्रताप सर्व समाज के नेता थे और यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो शोषित उपेक्षित जिनको हम छोटी जात के लोग कहते हैं, जिन्होंने उनसे लड़ाई लड़ने के अकबर द्वारा जो अधिकृत किया हुआ राज्य था उसको इन्हीं लोगों के द्वारा सहयोग से प्राप्त किया। तो सारे वर्ग सारे समाज के लोग इसमें आमंत्रित किया जाए, इस देश में सारे लोगों ने मोहम्मद गोरी का साथ देकर के इस पृथ्वीराज चौहान को 1190 में हरा लिया। कबू बेस हमारे आपके बीच में और बुराई अभी क्या। तो आज का दिन है, आप सारे लोग छोटे समझ इस तरह की बात करना छोटी को बड़ी बात साबित हो सकती है, लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। आज के दिन हम केवल इस महाराणा प्रताप की जयंती मनाए न बल्कि संकल्पित होने का दिन है कि हम लोग आपस में जो इस फिरके में बटे हुए हैं यह समस्या किसी तरीके से समाप्त हो। भगवान ऐसा अवसर लाए इस देश में, इस समाज के लिए, इस जात के लिए, इस धर्म के लिए, उनकी कुर्बानियों को याद करके हम कुछ सीख रहे हैं इन सारे बातों के साथ। क्योंकि और आज हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, इतिहास में आज तक इतना बड़ा मतलब कोई योद्धा पुरुष नहीं हुआ जिसके हम वंशज हैं, पूरे विश्व के इतिहास में इनसे बड़ा बलशाली जिसके हम वंशज हैं वो इतिहास में नहीं। हम और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम उनके वंशज हैं और हमें इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, दिन प्रतिदिन इनसे ऊर्जा लेनी चाहिए। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ नामक स्थान में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ही ओजस्वी थे, निर्भीक थे, निर्भय थे, निडर थे और ये हठी थे। स्वतंत्रता इनको प्रसन्न थी, इन्होंने कभी किसी के पीछे नहीं चला। जब ये अपने शिक्षा काल में शिक्षा से मौका पाते थे कि लोहार की बस्तियों में भाग के जाया करते, जब इनका समय मिलता था लोहार की बस्तियों में जाया करते थे जहाँ तलवार और भाले का निर्माण हुआ करता था। ये तलवार के और भाले के बड़े शौकीन बचपन से ही थे, जब इनको मौका मिलता था कि वहीं भाग के जाते थे और वहाँ देखते थे और वहाँ के तलवार को भाला को छूते थे, उनको बड़ा मतलब प्रिय था युद्ध और वसला। और इनकी एक और कुशलता थी कि इनको आपने देखे होंगे इनके तस्वीर में हमेशा दो तलवार वाली ज्ञान दिखती है। ये इतने स्वाभिमानी योद्धा थे, इतने स्वाभिमानी वीर पुरुष थे कि अगर सामने वाले जिससे युद्ध करते थे अगर उसकी तलवार गिर जाती थी तो उसको निहत्था कभी उन्होंने नहीं मारा, वो तो दूसरी तलवार निकाल कर उसको दे देते थे, कहते थे कि अगर मैं तुमको निहत्था मारूंगा तो मेरी मर्दानगी पर, मेरे योद्धा पर, मेरे पुरुषार्थ पर दाग लगेगी। एक नियत्थे को उन्होंने मारा, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जिसके हम वंशज हैं। और जिस तरीके से प्रकृति ने इनको पैदा किया था उसी तरीके से जैसे राम का सहयोग करने के लिए प्रकृति ने हनुमान जी को पैदा किया, उसी तरीके से महाराणा प्रताप को जन्म के लेने के बाद इनका चेतक जो उनका घोड़ा था जैसे मानी का ही दूसरा वो चेतक था जैसे इनके लिए भी पैदा हुआ था। और वो चेतक आज तक पूरे इतिहास में ऐसा घोड़ा का कहीं इतिहास नहीं मिलता, ऐसे युद्ध का कोई इतिहास नहीं मिलता, ऐसे हम वीर पुरुष के वंशज हैं और हमें इनके विचार से इनके चर्च से सीख लेनी चाहिए। देखना चाहिए ऐसे थे हमारे ये महावीर पुरुष जिसके लिए हम और हमें चाहेंगे कि हर साल इसे और भव्य की जयंती मनाई जाए और हम लोगों के इस सामने बगल नहीं देंगे इन हवा के झोंकों में क्या तूफानों में दीप जला देंगे या साथ मिला सबका नया इतिहास बना देंगे। जय हिंद जय भारत। Thank you.
इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राहुल सिंह जी निभा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार आप क्रियाशील हैं, आपको बहुत देशभक्त